हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम्स हुआ है और उसके बाद जो कट ऑफ इसकी जाने वाली है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना कट ऑफ जाएगा और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद करने से पहले कितना कट ऑफ रहेगा उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने पूरी फार्मूला सही आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है और ये जहाँ तक उम्मीद है कि 100% तक ये सही होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला मैंने दे दिया है। यहाँ देखिए कैलकुलेशन ऑफ मेरिट इंडेक्स फॉर ऑल पेपर्स, मैंने यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो इस फार्मूला के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन करके निकाल सकते हैं कि कितना नंबर जाने की संभावना है। तो आप लोग यहाँ पर इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और इसके बाद अगला एक फार्मूला दिया हुआ है जो कि बहुसत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंकों का, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसके लिए ये फार्मूला दिया गया है। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसीलिए ये फार्मूला दिया है कि आप यहाँ से डिटेल में देख लें। इसके बाद मैंने नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो कट ऑफ बनाया हुआ है वो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है इलाहाबाद की जो नॉर्मलाइजेशन सहित कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 70 से 80%, देखिए 70 से 80 नंबर जो कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जाने की उम्मीद है इसकी कट ऑफ। और जिसमें ओबीसी जनरल और एससी एसटी के लिए मैं ये कर देना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम 3 से 5 नंबर आप लोग यहाँ से घटाकर आप लोग ओबीसी और जनरल के बीच में मेरिट निर्धारित कर सकते हैं खुद से। और इसके बाद देखिए इलाहाबाद में जो बिना नॉर्मलाइजेशन के नंबर जिनके आएंगे जो मेरिट इसकी कट ऑफ होने की संभावना है वो 60 से 65 होने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर है अहमदाबाद में, यहाँ देखिए जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगी वो 62 से 70 जाने की संभावना है। और इसके बाद बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर देखें तो यहाँ पर 55 से 65 नंबर जाने की संभावना है। इसके बाद पटना की भी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है कट ऑफ, क्योंकि इसकी 70 से 80 नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रहेगी और जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक ये 58 से 68 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। इसके बाद देखिए सिकंदराबाद की कट ऑफ जो जाएगी वो 72 से 78 के बीच में जाएगी। और इसके बाद देखिए 72 से 78 ये आपके नॉर्मलाइजेशन करने के बाद की है और नॉर्मलाइजेशन करने से पहले 60 से 68 की जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है अजमेर की कट ऑफ जो जाने वाली है वो मीडियम ही जाने वाली है, जो कि 63 से 69 के बीच में रहने की संभावना है। और ये नॉर्मलाइजेशन जो के बाद का ये कट ऑफ बनेगा 63 से 69। और इसके बिना नॉर्मलाइजेशन के जो कि आपके नंबर्स पर डिपेंड करेगा कि कितना है, तो वो 53 से 59 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है भोपाल का भी लगभग मीडियम में ही कट ऑफ जाने वाला है और ये 60 से 68 कट ऑफ जाएगा जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद रहेगा। और बात करें बिना नॉर्मलाइजेशन की तो वो 53 से 60 जाने की संभावना है भोपाल की, ठीक है। तो ये मीडियम ही जाने वाली है। इसके बाद बिलासपुर है, बिलासपुर का देखिए 65 से 75 जाने की संभावना है जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद है। ये भी इसकी भी जो संभावना ये मीडियम कट ऑफ जाएगी इसकी। और इसके बाद देखिए बिना नॉर्मलाइजेशन की जो कट ऑफ जाएगी वो 52 से 60 जाएगी। और मैं जितना भी ये कट ऑफ सेट किया हुआ हूँ वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाया है और जो कि बहुत ज़्यादा सही होने की संभावना है। और इसमें पूरी तरह का फार्मूला मैंने यूज किया है, फार्मूला को यूज करने के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाया है, तो ठीक है। इसके बाद देखिए चेन्नई, और मैंने पूरे जोन को यहाँ पर लिया है, जितने भी जोन हैं मैंने उन सभी जोन का यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित किया है। तो चेन्नई का देखिए कट ऑफ जो जाने वाली है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 61 से 69 जाने वाली है और बिना नॉर्मलाइजेशन के 48 से 58 जाने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है गोरखपुर का। तो गोरखपुर का जो कट ऑफ जाने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि गोरखपुर से बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई किए थे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कट ऑफ जाने की संभावना है, इसीलिए क्योंकि ये 72 से 80 यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जाएगी और बिना नॉर्मलाइजेशन के बात करें तो वो 58 से 65 जाने की संभावना है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जियो मैंने जिससे जो जिसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है मैंने उसे ग्रीन कर दिया है, ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा है। और ये सब आपकी ग्रीन कलर वाला आपकी सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है, और ये ब्लू कलर से जितने भी मैंने लिखा है वो सब मीडियम कट ऑफ जाने वाली है उनकी, ठीक है, मतलब कि मीडियम लेवल में रहेंगे। इसके बाद देखिए कोलकाता की बात करें तो कोलकाता जोन से आपका यहाँ पर 65 से 73 जाने वाली है कट ऑफ, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, और बिना नॉर्मलाइजेशन के 55 से 61 जाने वाली है। और भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर की कट ऑफ ये लो जाने वाली है, 59 से 64 जाने वाली है, और बिना नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो वो ये 49 से 57 जाएगी। तो ये जो मैंने इसे रेड कलर से लिखा है, जो कि लो जितनी भी लो कट ऑफ जाएगी वो रेड से मैंने यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ की भी मीडियम में रहेगी, मीडियम लेवल में कट ऑफ रहेगी, जो कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 68 से 75 रहेगी, और बिना नॉर्मलाइजेशन के 55 से 62 रहेगी। और इसके बाद देखिए मुंबई की बात करें तो मुंबई की कट ऑफ जो जाने वाली है वो 63 से 69 के बीच में जाएगी, ये भी मीडियम लेवल की कट ऑफ है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 63 से 69 रहेगी, और नॉर्मलाइजेशन से पहले जो कि आपके नंबर जितने आए हैं वो 55 से 62 के बीच में रहेगी, ठीक है। इसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर की 62 से 68 जाने की संभावना है, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 62 से 68 जाएगी, और बिना नॉर्मलाइजेशन के 52 से 58 जाएगी। इसके बाद देखिए अगला है रांची, रांची की कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 से 65 जाने की संभावना है, ये भी बहुत ही लो कट ऑफ जाएगी इसकी रांची की, और इसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद बिना नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो वो 50 से 55 जाने की संभावना है। इसके बाद देखिए गुवाहाटी का ये सबसे ज़्यादा कम जाने की है, जितने भी है रांची भुवनेश्वर इन सभी से लो कट ऑफ जाएगी आपकी गुवाहाटी की जाएगी, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 48 से 53, मात्र 48 से 53 रहेगी, और इसके बाद जो है बिना नॉर्मलाइजेशन की भी अगर बात करें तो वो 40 से 48 के बीच में रहेगी। और इसके बाद देखिए बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर की भी कट ऑफ मीडियम में ही जाने वाली है, 60 से 65 के बीच में रहेगी इसकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, और बिना नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 62 से 58 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरे जोन को यहाँ पर लिया है, पूरे जोन को डिवाइड किया है, और उन सभी में मैंने नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो संभावित कट ऑफ जाने की संभावना है तो मैंने उसे यहाँ पर दिखाया है। तो जहाँ तक ये मेरे ख्याल से ये कट ऑफ लेवल जो मैंने दिखाया है वो एक तरह से सही होने की संभावना है। और जो लोग पहली बार वीडियो ये देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत ही सही होने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।